हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कानपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में पुलिस हिरासत में एक युवा व्यवसायी की मौत हो जाने के बाद हंगामा मच गया। लूट के एक मामले में पूछताछ के पुलिस ने सोमवार रात एक युवक को उठाया था। सोमवार मंगल की रात करीब 2:30 बजे परिजनों को युवक की मौत की खबर मिली। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इस दौरान परिजन पोस्टमार्टम हाउस से शव को जबरदस्ती लेकर चल दिए। मामले का तूल पकड़ता देख इस मामले में एसपी ने एसओजी टीम समेत 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, वहीं पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको कि नहीं, लड़के इस तरीके के थे, लंबे चौड़े मतलब पतले दुबले, और ये हमारा लड़का भतीजा तो ऐसा है, तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, बोले चलो अच्छा सिवली वहाँ चलते हैं मैथा चौकी। हम लोग मैथा चौकी गए, वहाँ कोई नहीं मिला, फिर हम लोग सिवली थाने सोचा चले गए होंगे, सिवली थाने गए, सभी अधिकारियों को फोन करते थे, किसी ने फोन नहीं मारा। हमारे हम तो ये भाई था हमारा, जब ये चौकी पहुंचा तो उस समय बहुत उसकी पिटाई कर रहे थे। मिल रही जानकारी के मुताबिक कानपुर देहात के सिवली कोतवाली के लालपुर सरैया गांव में 6 दिसंबर को चंद्रभान सिंह नाम के एक कारोबारी से लूट हुई थी। वह दुकान बंद करके लौट रहे थे, तभी पीछे से आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए और 40,000 रुपए के आभूषण उनसे लूट लिए थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच सोमवार को पुलिस ने चंद्रभान के रिश्ते में लगने वाले भतीजे बलवंत समेत 5 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था। बताया जा रहा है कि हिरासत में लेने के कुछ ही घंटे बाद बलवंत की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस उसे नजदीकी अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे हालत के लिए रेफर कर दिया। थोड़ी ही देर में बलवंत ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी होने पर बलवंत के परिजन अस्पताल पहुंच गए। वहां पर मृतक बलवंत के बड़े भाई सचिन ने पुलिस पर बलवंत को पीट पीट कर मारने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, तो उनके साथ भी उनकी झड़प हो गई। वहीं इस मामले की खबर मिलते ही एसपी ने एसओजी टीम, मैथा चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी समेत 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। विगत 6 दिसंबर को थाना शिवली की चौकी मैथा के क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित हुई थी। विवेचना के क्रम में कुछ अभियुक्तों का नाम इसमें प्रकाश में आया। उसी क्रम में कल थाना शिवली और एसओजी की ज्वाइंट टीम ने 3 लड़कों की अरेस्टिंग करी, जिनका नाम है अविनाश कुशवाहा, सूरज और कल्लू उर्फ शिवा। उन्हीं के बयानों में व अन्य तथ्यों में कुछ और नाम प्रकाश में आए, जिस क्रम में एक व्यक्ति बलवंत सिंह, जो कि सरैया लालपुर का ही रहने वाला है, उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया गया। वह स्वयं आया, परंतु कुछ समय में सीने में दर्द की शिकायत करने लगा। तत्काल फर्स्ट एड के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, जहां उनका उपचार किया गया, परंतु उपचार के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा व जो अन्य विधिक कार्रवाई है, उसको हम लोग अमल में ला रहे हैं। प्रथम दृष्टिया जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें एसओजी की टीम और थाना प्रभारी, चौकी मैथा प्रभारी व अन्य लोग जो इन्वॉल्व हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में परिजनों का आरोप है कि उनके भाई को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। संवाददाता लक्ष्मी चंद दीक्षित की रिपोर्ट, कानपुर यूनिवर्सिटी।